क्लेवर क्रो खाता है पेड़ा आज रिलीज हुई है शमशेरा, जिसमें आपको दिखेंगे संजय दत्त, रणबीर कपूर, वाणी कपूर, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है करण मल्होत्रा ने। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है, एक कबीला होता है जिसका सरदार होता है शमशेरा। अब शमशेरा अपने कबीले को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है, बेचारे की मौत हो जाती है, और इसका कबीला ना जो होता है वो बेचारा गुलाम बन जाता है। 25 साल बाद फिर से शमशेरा का बेटा बल्ली पैदा होता है। हाँ बल्ली, शाबाश। अब बल्ली क्या अपने बाप की मौत का बदला ले पाएगा और अपने कबीले को आजाद करवा पाएगा या नहीं, यही है फिल्म की कहानी। थैंक यू। टाइम्स ऑफ इंडिया की रचना दुबे ने इस फिल्म को दी है 2.5 स्टार्स, और वो लिखती हैं कि पहले ही फ्रेम से भाई साहब VFX के जरिए 19th सेंचुरी का एक माहौल क्रिएट किया जाता है और आप उसमें बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर जैसे ही शमशेरा की कहानी शुरू होती है फिल्म की रफ्तार धीरे हो जाती है और कभी बढ़ ही नहीं पाती, और फिल्म देखने के बाद ना बड़ा थका थका सा महसूस करोगे यार। मतलब डायरेक्टर का जो विजन है ना वो काफ़ी ग्रैंड है, पर एग्जीक्यूशन में ना इस विजन ने डायरेक्टर को धोखा दे दिया है। 2.5 स्टार। आपने आमिर खान और अमिताभ बच्चन की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो देखी होगी। NDTV के साइबल चैटर्जी ने इस फिल्म को ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लेवल जितनी बुरी बताया, बस 1 स्टार दिया और कहा है कि जितना टॉर्चर फिल्म में संजय दत्त गुलामों पर करते हैं उससे कहीं ज्यादा टॉर्चर करती है ये फिल्म ऑन ऑडियंस। 1 स्टार। टिंग टिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम वापस हवाई अड्डे की ओर उतर रहे हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। पंकज शुक्ल अमर उजाला के, उन्होंने इस फिल्म को दी है 2 स्टार्स और वो लिखते हैं कि भाई साहब फिल्म का डायरेक्शन है वो बहुत ही एवरेज है और फिल्म में सिनेमा दिखता ही नहीं है। फिल्म का बोझ जो है वो संजय दत्त और रणबीर कपूर के कंधों पर है और संजय दत्त रणबीर कपूर पर भारी पड़ते हैं, और वाणी कपूर से अच्छा काम तो इरावती हर्षण ने किया। क्या बात कर रहे हो, लैंड करने वाले भाई साहब, कुर्सी बड़ी बांध रहे हो, हम दुर्घटनाग्रस्त होने वाले भाई साहब, बच के रहो भाई साहब, भाई साहब। इंडियन एक्सप्रेस की शालिनी लैंगर ने इस फिल्म को दी है 2.5 स्टार्स और वो लिखती हैं कि फिल्म के सेट्स कॉमिकली काफ़ी फेक लगते हैं, फिर चाहे वो पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान के किले हों, हर चीज़ काफ़ी एग्जैजरेटेड लगती है पूरी फिल्म में। और रणबीर कपूर एज शमशेरा काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर उनके बेटे के किरदार में यानी कि बल्ली के किरदार में रणबीर कपूर ज़्यादा मज़े करते हुए दिखते हैं। 2.5 स्टार्स। तो 4 रिव्यूज़ के हिसाब से इस फिल्म शमशेरा को मिलते हैं 2 स्टार्स। और जाते जाते बॉलीवुड शायरी मेरे जनाब, फिल्म देखकर आए हो तो जॉनी साहब की लीजिए राय, फिल्म देखकर आए हो तो जॉनी साहब की लीजिए राय। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तो कैसी लगी आपको मेरी घटिया शायरी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जाने से पहले बीबीसी हिंदी का फेसबुक पन्ना लाइक करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं विदित लेता हूँ आपसे विदा, मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।